नमस्कार पूछो पूछो कुछ भी पूछो कि तीसरी कड़ी के साथ मैं आपके सामने हाजिर हूँ दोस्तों कल मैंने इस बात की जानकारी दी थी कि आप कुछ भी मुझसे पूछिए हिंदी सिनेमा के संदर्भ में और मैं आपसे बातें करूँगा तो इस तीसरी कड़ी में आपका स्वागत है मेरे पास कुछ एक सवाल आए हैं वहाँ टिप्पणियाँ आई हैं और जैसा कि मैंने बहुत पहले कहा था कि जब हम शुरू करेंगे तो हो सकता है शुरू में कम सवाल आए बाद में ज़्यादा सवाल आए और वह सिलसिला हो गया है तो मैं बात अपनी शुरू करता हूँ सबसे पहला सवाल जितेंद्र परमार जी का है उनका पूछना है कि अब तक की बेस्ट पांच हिंदी फिल्में कौन सी हैं जितेंद्र परमार जी इस तरीके के सवाल आजकल सोशल मीडिया पर बहुत चलते हैं कोई पांच फिल्म बताइए कोई दस फिल्म बताइए कोई बीस फिल्म बताइए कोई दो गाने बताइए कोई पांच भूमिकाएं बताइए तो मुझे इसमें कोई ज़्यादा दम नहीं दिखता है सबकी अपनी पसंद होती है और पसंद बदलती रहती है समय के साथ जो चीज़ें मुझे आज पसंद हैं कल को पसंद नहीं रहेंगी तो किसी और से पूछने के बजाय आप तय कीजिए कि आपको कौन सी तीन फिल्में पसंद अभी आ रही हैं फिर दो साल के बाद आपकी पसंद बदल जाएगी हो सकता है कुछ और तीन फिल्में आपको पसंद आने लगें और फिर हर साल तो फिल्में रिलीज हो रही हैं फिल्में जुड़ती जा रही हैं उसमें फिर ओ आ जाने की वजह से इंटरनेट की वजह से हम दुनिया की फिल्मों से वाकिफ हो रहे हैं हमारी फिल्मों का विस्तार हो रहा है हमारे देखने का विस्तार हो रहा है तो इस हिसाब से फिल्में बदलती चली जाएंगी मैं कोई तीन फिल्म का नाम नहीं लूँगा हाँ अभी हाल फिलहाल में इरफान की याद आ रही थी आप पीछे पोस्टर भी देख रहे होंगे तो इरफान की पान सिंह तोमर के बारे में मैं कहूँगा कि आप ज़रूर देख लें अजय कुमार दुबे जी का सवाल है हिंदी सिनेमा को अगर विश्व सिनेमा की सूची में रखना हो तो किस पायदान पर रखेंगे अजय जी मुझे इस तरीके के पायदान बनाना पसंद नहीं है ये लगभग वैसे ही बात हुई कि अगर हम पूछें कि भारतीय संस्कृति को विश्व संस्कृति में किस पायदान पर रखेंगे ऐसा नहीं हो सकता भारत का सिनेमा बिल्कुल अलग सिनेमा है और भारत में भी विभिन्न भाषाओं का सिनेमा भी अलग अलग सिनेमा है तो किसी पायदान पर न रख करके इसे एक अलग स्थान दीजिए और वहाँ से इसको देखना शुरू कीजिए हमारी तुलना दुनिया में किसी से नहीं हो सकती हम बिल्कुल अलग हैं सिनेमा के मामले में तकनीक हमने ज़रूर विदेश से ली आज भी ले रहे हैं लेकिन फिल्में हम यहाँ की बनाते हैं हाँ कुछ एक फिल्म मेकर ऐसे होते हैं जो विदेशी प्रभाव में विदेशों की नकल में फिल्में बनाते हैं लेकिन धीरे धीरे जब उनकी अपनी आवाज़ आ जाती है अपना स्वर मिल जाता है उनको तो फिर वे अपनी फिल्में बनाते हैं तो ये तो सिलसिला लंबा चलता रहेगा लोग आते रहेंगे फिल्में देखेंगे फिल्मों के बारे में अपनी राय देंगे और तय करेंगे कि दुनिया में वह कहाँ टिक रहा है नवीन कुमार निकू जी का सवाल आया है कि आजकल के कलाकार संघर्ष से निकल कर आ रहे हैं पर वो फिर गायब हो जा रहे हैं ऐसा क्यों देखिए निकू जी ये सिलसिला तो चलता रहा शुरू से भी पहले भी लोग काफ़ी संघर्ष करके आते थे हम हिंदी फिल्म इंडस्ट्री के लोकप्रिय कलाकारों लोकप्रिय निर्देशकों निर्माताओं की सूची बनाए तो कितने नाम आएंगे सौ दो सौ नाम आएंगे सौ सालों से ज़्यादा लंबा अपना इतिहास है उस इतिहास में आपको हमें सभी को वही सौ डेढ़ सौ नाम याद हैं तो लोग आते हैं चमकते हैं कुछ दिन टिके रहते हैं और फिर अपनी क्षमता के अनुसार वे या तो लंबे समय तक मौजूद रहते हैं या फिर गायब हो जाते हैं ऐसा नहीं है कि यह आज कोई नई बात हो रही है हाँ अभी ऐसा हुआ है कि मीडियम बढ़ जाने से कलाकारों की संख्या बढ़ गई है आप गायकों में ही देख लीजिए ना गायकी एक बड़ा उदाहरण है पहले कितने गायक थे उंगलियों पे आप उन्हें गिन सकते थे लेकिन आज हर गाने के साथ कुछ नए गायक सुनाई पड़ते हैं हर फिल्म में कुछ नए गायक आते हैं और फिर वे गायब हो जाते हैं तो जो रचेगा वही बचेगा जो रचनाशील होगा वही कामयाब होगा प्रद्युभन शर्मा जी पूछ रहे हैं क्या आप प्रादेशिक फिल्में भी देखते हैं उन पर भी टिप्पणी करें प्रद्युमन जी आ, मैं बीच बीच में देखता हूँ प्रादेशिक फिल्में भी या कहले दूसरी भाषाओं की फिल्में भी देखता हूँ भारत की अन्य भाषाओं की फिल्में देखता हूँ अभी हाल ही में मैंने, मैंने मैथिली फिल्म देखी है नितिन चंद्रा जी ने बनाई है जैक्सन हॉल्ट अगर आपने नहीं देखी है तो ज़रूर जाकर देखें उनके वेबसाइट पर यह उपलब्ध है बेजोड़ डॉट इन पर एक अलग ढंग की फिल्म है और मैथिली में अभी इस तरह की फिल्म नहीं आई थी तो उनका स्वागत किया जाना चाहिए और हाँ आ, इस बीच में हम लोगों ने दक्षिण भारत से आ रही फिल्मों को बहुत सारा देखा है ऐसे ही बंगाल की फिल्मों को देखा है पंजाब की फिल्मों को देखा है गुजरात की फिल्मों को देखा है तो ये सिलसिला चलता रहता है लेकिन चूंकि मेरा चैनल और मेरा काम मुख्य रूप से हिंदी सिनेमा का है इसलिए मैं ज़्यादातर हिंदी फिल्मों की ही बातें करता हूँ कभी कभी कोई ऐसी फिल्म लग जाती है अच्छी या किसी के रिकमेंडेशन पे देख लेता हूँ तो ज़रूर मैं उसकी भी चर्चा करता हूँ हाँ लेकिन मैं आपकी बात पर गौर करूँगा और कोशिश करूँगा कि प्रादेशिक या अन्य भाषाओं की फिल्मों के बारे में ज़्यादा बोलूँ मैं शुक्रिया गोदी दौर में फ़िल्म निर्माण गोदी फिल्में बनाने को क्यों मजबूर हैं ये पब्लिक की डिमांड है या पूंजीवादी लॉबी कुछ भी परोसे सामाजिक सरोकार से संबंधित सार्थक फिल्में बॉलीवुड एजेंडे से क्यों गायब होती जा रही हैं साल में कुछ एक विषयों को छोड़कर जी देवेंद्र यादव जी का सवाल है ये तो देवेंद्र यादव जी आ, ऐसा नहीं है एक तो गोदी दौर सिनेमा के लिए कभी नहीं आया है आप इसको कह रहे गोदी यानी मोदी तो मोदी का दौर नहीं आया आया है लेकिन हाँ ये जरूर हुआ है कि भाजपा के विचारों के प्रभाव में कुछ एक फिल्म मेकर अब उस तरीके की फिल्में बना रहे हैं और ऐसी कोशिश भी हो रही है सरकार से उनको समर्थन भी मिलता है हमने देखा पिछले साल द कश्मीर फाइल्स आई थी सत्ता हमेशा इस मीडियम का इस्तेमाल करती रही है यह नेहरू के युग में भी हुआ शास्त्री जी ने तो कहकर मनोज कुमार से फिल्म बनवाई थी जिसमें उपकार आई थी इंदिरा गांधी के ज़माने में भी हुआ आपको आश्चर्य होगा कि इंदिरा गांधी ने मृणाल सेन की फिल्म भुवन सोम के लिए ही हरी झंडी दी थी मृणाल सेन जन्म जन्मशती आरंभ हुई है चौदह मई से आप कभी मौका निकाल कर उनकी फिल्म देखें चूँकि वे कम्युनिस्ट और मार्क्सवादी फिल्म मेकर थे इसलिए मुझे नहीं लगता कि भारत सरकार उनके याद में कोई आयोजन करे या कोई फिल्म समारोह करे ऐसा नहीं है कि पब्लिक की कोई डिमांड है या पब्लिक तो ज़्यादातर हिंदी की पब्लिक जो है वो निष्क्रिय होती है उदासीन होती है उसको जो भी फिल्म मिल जाती है उसी में से देख लेती है खुश हो जाती है या दुखी हो जाती है दर्शक एक्टिव दर्शक भारत में हिंदी फिल्मों में बहुत कम हैं वे लोग नहीं आते हैं और इसलिए हिंदी फिल्मों की ये स्थिति बनी हुई है सामाजिक सरोकार से संबंधित फिल्में जी हाँ ये शिकायत आपकी वाजिब है कि सामाजिक सरोकार की फिल्में कम बन रही हैं लेकिन सामाजिक सरोकार में भी आप देखें कि टॉयलेट एक प्रेम कथा बनी ही थी सामाजिक सरोकार इससे बड़ा सामाजिक सरोकार क्या होगा या सैनिटरी नैपकिन को लेकर के जो फिल्म बनी थी अक्षय कुमार की ही तो इस तरह की फिल्में बीच बीच में आती रही हैं अब अगर अभी कोई सांप्रदायिक सद्भाव की फिल्म बनाए तो शायद उस फिल्म को थोड़ी दिक्कत भी होगी क्योंकि भारत सरकार और जो सत्तारूढ़ पार्टी है उसकी सोच ही सांप्रदायिक हो गई है और वह सांप्रदायिक घृणा को बढ़ाने का काम कर रही है ऐसे में सद्भाव की कोई बात करेगा तो हो सकता है उसकी फिल्म रुक भी जाए उसकी फिल्म रिलीज ही ना हो पाए आपने जैसा खुद ही कहा है कि साल में कुछ एक फिल्में जरूर आ जाती हैं सार्थक किस्म की तो ये प्रतिशत लगभग ऐसा ही रहा है शुरू से हमेशा दो प्रतिशत तीन प्रतिशत सार्थक फिल्में बनती हैं बाकी तो जनरल एंटरटेनमेंट जो मेन स्ट्रीम हिंदी सिनेमा कहा जाता है उसका मुख्य उद्देश्य मनोरंजन करना है एंटरटेनमेंट 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 तो वही चल रहा है लोग उसी में आनंद लेते हैं उसी का मजा लेते हैं फिर सवाल आया है ज्योति नंदा जी का और जो सवाल नहीं सजेशन है उनका कि फिल्म ऑपरेशन रोमियो जो मलयाली फिल्म है और हिंदी में भी आई है क्या मैं उसको देख पाया हूं उनका सवाल ऐसा ही था कुछ मैं नहीं देख पाया हूं लेकिन आपके रिकमेंडेशन पर मैं वो फिल्म जरूर देखूंगा और मौका मिला तो उसके बारे में बात भी करूँगा ऑपरेशन रोमियो जो मेरे दर्शक मुझे सुन रहे हैं जो पाठक मुझे यहाँ आए हैं उन लोगों से भी आग्रह है कि अगर आपको मौका मिले तो आप ऑपरेशन रोमियो देखिए ज्योति जी ने बताया है कि यह मेल ईगो पर फिल्म है और हम सभी जानते हैं कि भारत जैसा देश है पुरुष प्रधान देश है यहाँ मेल ईगो बहुत ही अहंकारी होता है और वह अपने सामने किसी को टिकी नहीं देता है फिर अनिता नेगी जी का सवाल है अनिता नेगी जी पूछ रही हैं कि सामाजिक परिवर्तन के एक कार्य के रूप में सिनेमा की क्या भूमिका रही है ये बहुत महत्वपूर्ण सवाल है और ख़ास करके एकेडमिक फील्ड से ये पूछा जाता है कि क्या कोई फिल्मों की सार्थक और सामाजिक भूमिका होती है सामाजिक परिवर्तन में सामाजिक परिवर्तन में फिल्मों की भूमिका पर अगर विचार करना शुरू करें तो हमें थोड़ी निराशा हो सकती है क्योंकि ऐसा बहुत कम हुआ है कि कोई एक फिल्म आई हो और उससे सामाजिक परिवर्तन हुआ हो लेकिन सामाजिक परिवर्तन जैसे अब तारे जमी पे जैसी फिल्म आई थी तारे जमी पर जैसी फ़िल्म ने बहुत सारी ग़लतफहमियाँ दूर कर दी आया कि जिस जिसकी वजह से बच्चे कुछ तो चीज़ें समझ नहीं पाते हैं और हम समझते हैं कि बच्चा मेरा पढ़ नहीं पा रहा है कमज़ोर है वास्तव में यह एक बीमारी है ऐसे ही थ्री इडियट्स आई थी जिसमें प्रतिभा की बात की गई थी कि अगर आप में टैलेंट है और आप आगे बढ़ेंगे तो सारी चीज़ें अपने आप सुधरती चली जाएंगी और आप जिस लक्ष्य की तरफ जा रहे हैं उस पर हमेशा ध्यान दें आप आगे बढ़ते रहें तो प्रकृति और कायनात और समाज आपके साथ आ जाता है तो इस तरीके की फिल्मों ने हमारी सोच को तो जरूर बदला है आ, इधर आप कह सकते हैं अनीता बता सकती हैं कि क्या आपको कोई फिल्म ऐसी याद आ रही है अगर आप अभी मुझे देख रही हो या बाद में देखेंगी तो कुछ एक फिल्मों के नाम आप बताइए क्योंकि जब ये सवाल आपके मन में उठा है तो जरूर कहीं एक जवाब भी आपके पास होगा और आपके निगाह में ऐसी कोई फिल्म होगी जिसका बहुत बड़ा प्रभाव सामाजिक परिवर्तन पर पड़ा हो अभी हम जिस पूंजीवादी समाज में जी रहे हैं जिस उपभोक्तावादी समाज में जी रहे हैं जहाँ पैसा लाभ ही महत्वपूर्ण हो गया है वैसे में यह सोच पाना कि कोई ऐसे सामाजिक परिवर्तन की बात सामाजिक संदेश की बात लेकर आएगा और हमारा कुछ भला होगा उससे थोड़ी मुश्किल स्थिति हो गई है और सिनेमा जैसा कि आप सभी जानते हैं सिनेमा बेसिकली एक ऐसा महंगा माध्यम है जहाँ मुनाफ़ा बहुत महत्वपूर्ण है मुनाफे पर ध्यान दिया जाता है और उसी हिसाब से फिल्में यहाँ तय होती हैं कि कौन सी फिल्म चलेगी कौन सी फिल्म नहीं चलेगी सीताराम जी का सवाल है फिल्म और सीरीज़ में लगता है सीरीज़ फिल्म की जगह लेते जा रही है आपका विचार नहीं ऐसा नहीं होगा सीताराम क्योंकि फिल्मों का अपना एक ख़ास महत्व है फिल्मों की लॉन्चविटी आज भी ज़्यादा लंबी मानी जाती है आप सीरीज़ याद करें तो आपने तीन साल पहले चार साल पहले जो सीरीज़ देखी होगी हो सकता है आज याद ना हो लेकिन फिल्में जो आपने बीस साल पहले भी देखी है वो फिल्में आपको याद रहती हैं तो ये समाचार और कहानी कविता पढ़ने की तरह हैं समाचारों की खपत हम करते हैं ज़रूर देखते हैं लेकिन समाचार हमें कहें याद रहते हैं समाचार रोज़ बदल जाते हैं आप खुद से तय करें क्या आपको वेब सीरीज़ इतना प्रभावित कर रहा है कि आप केवल वेब सीरीज ही देखते रहें मुझे नहीं लगता कि ऐसा कुछ होगा तो रफ़ी शब्बीर जी जी भी आ गए हैं वे भी मुझे देख रहे हैं मुझे खुशी है कि इस बार ज़्यादा लोग आए ज़्यादा सवाल किए और यहाँ लाइव भी देखने के लिए बहुत सारे लोग आ रहे हैं आए हैं जुड़े हुए हैं जुड़ रहे हैं हरीश शर्मा जी का सवाल है क्या अब बॉलीवुड वाले साउथ की रीमेक ही बनाया करेंगे देखिए ये परसेप्शनल सवाल है इसलिए कि ऐसी धारणा बना दी गई है कि हिंदी फिल्में मुख्य रूप से साउथ की फिल्मों की नकल कर रही हैं उन्हीं का रीमेक बना रही हैं अगर आप फिल्मों की काउंटिंग शुरू करें तो मुश्किल से सौ में से पाँच या आठ फिल्म ऐसी होंगी जो साउथ की रीमेक होती हैं अन्यथा छोटी मझोली बड़ी फिल्में हिंदी में ही बनती हैं हाँ वे कहीं से प्रेरित हो सकती हैं मौलिक नहीं हो सकती हैं किसी साहित्य की कृति पर हो सकती है कहीं विदेशी फिल्म से प्रभावित हो सकती है ज़ाहिर सी बात है दक्षिण की फिल्मों से भी प्रभावित हो सकती हैं बांग्ला फिल्मों से प्रभावित हो सकती हैं तो ये प्रभाव तो हमेशा से रहा है और आगे भी रहेगा यह परसेप्शन पिछले दो सालों में पेंडेमिक के समय बनाया गया और ये बहुत स्ट्रांगली बन के आया कि हिंदी फिल्में मुख्य रूप से साउथ की रीमेक ही बना रही हैं और बड़े कलाकारों ने और कुछ बड़े प्रोडक्शन हाउसेज ने ऐसी फिल्मों के निर्माण और व्यवहार में रुचि ली इसलिए भी ये धारणा बनी है तो इस धारणा से बाहर निकलने की ज़रूरत है और सिर्फ साउथ की रीमेक नहीं बनती है हिंदी फिल्म इंडस्ट्री में दूसरी फिल्में भी बनती हैं चंद्रकांता का सवाल है चंद्रकांता बहुत सेंसिटिव लेखिका हैं दर्शक हैं और मित्र हैं युवा मित्र हैं मेरी ओ टी टी के आने से बहुत कुछ अच्छा हुआ है चलिए शुक्रिया आपने माना तो कि बहुत कुछ अच्छा हुआ है जो सबसे ख़राब बात हुई है वह है गालियाँ और स्थानीयता संस्कृति को बदल देना देखिए मैं इस बात से चंद्रकांता आपकी पूरी तरह से सहमत नहीं हूँ गालियाँ आई हैं ज़रूर आई हैं इसलिए कि जब फिल्मों का सेंसर हुआ करता था तो वहाँ गालियों से परहेज़ किया जाता था वहाँ गालियाँ नहीं आ सकती हैं कलाकारों को कई बार बहुत ज़रूरी लगता है कि जिस तरीके की कहानियाँ वे दिखा रहे हैं जिस प्रकार के किरदारों को लेकर वे आ रहे हैं उन किरदारों के बीच गालियाँ चलेंगी अभी ऐसी भी सीरीज मैंने देखी है जहाँ लड़कियाँ भी गालियाँ दे रही हैं तो ये स्वाभाविक है अपने समाज में भी आप पलट कर देखें आसपास में घूम कर देखें तो ऐसी गालियाँ आपके कानों में भी पड़ती होंगी हाँ निर्देशक और लेखक चाहें तो इसमें से छटाई कर सकता है और अपने किरदारों को एक ऐसी जबान दे सकता है जो देखी जा सके आम तौर पर यहाँ एक आपत्ति जो आम दर्शकों की होती है वो आपत्ति आपकी नहीं है लेकिन मैं इसी बहाने उनकी भी बात एड्रेस कर रहा हूँ वे कहते हैं कि ऐसी सीरीज हम परिवार के साथ नहीं देख सकते तो मेरा ये कहना भाई आप क्यों देख रहे हैं परिवार के साथ आजकल हर एक सीरीज में उम्र दिया रहता है कि इस उम्र से अधिक उम्र के लोग ही इस सीरीज़ को देखें फिर क्या ज़रूरत है आपको कि ऐसी सीरीज आप देखें जो बच्चों के लायक नहीं है और बच्चों के साथ बैठ कर देखें अगर ऐसा होगा तो गलत होगा स्थानीयता बदल देने संस्कृति बदल देने की बात चंद्रकांता आपकी जायज़ है और वो कहीं ना कहीं कॉस्ट्यूम डिजाइनर आर्ट डिजाइनर आर्ट डायरेक्टर और ओवरऑल फिल्म मेकर और निर्देशक की गलतियों से होता है भ्रांतियों से होता है वैसे मैं बताऊं आपको इस पर कभी हम लोग लंबी बात कर सकते हैं कि भारतीय फिल्मों ने हिंदी फिल्मों ने खासकर एक ऐसा समाज रचा है कुछ किरदार रचे हैं उनके पहनावे रचे हैं जैसे हिंदी फिल्मों में ने घाघरा चोली साठों साल से पहन के आ रही हैं जबकि आप उत्तर भारत में हैं देहरादून में आप देखें वहाँ कितने लोगों को उत्तराखंड में देखा है जो घाघरा चोली में नजर आती है लेकिन पहाड़ों पर भी फिल्में बनेंगी तो उसमें भी घाघरा चोली दिखाई पड़ेगा राजस्थान की फिल्म बनेगी वहाँ भी घाघरा चोली होगा यहाँ तक कि यूपी फिल्म जाएगी तो वहाँ भी घाघरा चोली होगा तो यह कुछ पहनावे हैं ऐसे ही कुछ फिल्में जो विदेशों में शूट होती हैं वहाँ आप देखें तो सारे किरदार हिंदी बोल रहे होते हैं अभी चाहे बेल्जियम के में हो या एमस्टर्डम में हो या फिर लंदन में हो या न्यूयॉर्क में हो सारे किरदार हिंदी बोल रहे होते हैं अरे कहीं से बगल से अगल से अंग्रेज़ी तो सुनाई पड़े वहाँ की स्थानीय भाषा तो सुनाई पड़े ये कमी है हिंदी फिल्मों की और यही कमी सीरीज में भी आई है नई पीढ़ी ज़्यादा जानकार है और समझदार है तो उसे हमें समझाने बताने की जरूरत नहीं है वो छाँट लेगा कि उसको क्या अच्छा देखना है क्या बुरा देखना है अशोक मिश्रा जी के फिल्म समीक्षकों को भी कुछ सलाह दें क्योंकि वो सिर्फ गौसिक में उलझाए अशोक भाई जो लोग गौसिक में उलझे रहते हैं वे फिल्म समीक्षक कैसे हुए समीक्षा का काम तो फिल्मों को देखना और फिल्मों के बारे में अपनी राय रखना है सुनील कन्होजिया जी पूछ रहे हैं कि क्या आज भी अंडरवर्ल्ड का होल्ड है फिल्म जगत पे बिल्कुल नहीं अंडरवर्ल्ड ही नहीं रहा तो उसका होल्ड क्या रहेगा मुख्य रूप से तो मेरी बातें हो गई हैं अब अगर और कोई नया सवाल हो तो बताइए मैं देख तो बात वाजपेयी का सवाल है भैया समाज में आज एक वर्ग ऐसा है जो परिवार को जोड़ने और धेय से परिपूर्ण प्रयास को तवज्जो देता, देता है इस जोड़ने और ध्याय से परिपूर्ण प्रयास को तवज्जो देता है इस विषय में जोड़ने दक्षिण भारत की काफी सकारात्मक प्रयास कर रहा है हाँ ये एक सामान्य धारणा है ऐसा लग रहा है कि दक्षिण वाले ज़्यादा बेहतर काम कर रहे हैं लेकिन ऐसा नहीं है और लग रहा है कि दक्षिण वाले ज़्यादा फिल्म समीक्षा और सीरीज समीक्षा में कोई अंतर बहुत अंतर है भैया दोनों मीडियम अलग है तो दोनों मीडियम की बातें अलग हो जाएंगी सवाल का सवाल है इरफान मैंने पढ़ी अभिनेताओं को ये अवश्य पढ़नी चाहिए खासकर जो लोग मुंबई आकर संघर्ष करना चाहते हैं शुक्रिया कृष्णगोपाल आपके इस मंतव्य के लिए अपनी राय आप लोग ज़रूर दीजिएगा कि यह सिलसिला कैसा रहेगा वैसे एक मेरे श्रोता हैं जिन्होंने मुझे कहा कि आप अगर मुझे पैसे देंगे तब मैं सवाल करूंगा तो उनको सिर्फ यही सलाह है मेरी कि प्लीज़ आप सवाल ना पूछें मेरे भी पैसे बचाएं आपने मुझे एक रास्ता भी दिखाया है कि अब मैं सवाल पूछने के भी आपसे पैसे ले सकता हूँ क्योंकि अगर मेरा भी समय जाता है मेरा वक्त जाता है मेरी अकल जाती है हाँ, तो उस हिसाब से ये गिरजेश सिंह राजपूत है इन्होंने कहा कि पाँच सौ रुपया दीजिए तो मैं सवाल पूछूँगा तो भाई मैं अगली बार से ऐसा कर सकता हूँ आप लोग सहमत तो हों तो, तो पचास रुपये से लेकर कर पाँच सौ रुपये तक के सवाल रहेंगे और जो कोई पैसे देगा मैं उन्हीं के सवालों के जवाब दूंगा आप लोग बताइएगा हालांकि ये मजाक में बात कह रहा हूँ लेकिन ये सीरियस टर्न ले सकता है जहर बांटने वाले हालिया फिल्मों के बारे में आपकी क्या है <laughs> जहर बांटना तो हमेशा से गलत बात है विश्वनाथ भाई और मैं हमेशा उसकी निंदा करता रहा हूँ पिछले साल मैंने एक लंबा लेख लिखा था नफ़रत का नवाचार अगर मौका मिले तो आप उस लेख को पढ़िए मैं यहाँ फेसबुक पर भी डाल चुका हूँ उसको और लोगों ने उसके बारे में बहुत अच्छी अच्छी राय दी है सुतोष वाजपेयी का सवाल है कि रामानंद सागर के दृष्टिकोण आज के दृष्टिकोण में क्यों फ़र्क है भाई वो फ़र्क तो ज़रूरी है ना समय बदल गया पचास साठ साल पहले की बात है पांडे जी का है कि केरला स्टोरी कश्मीर पर आपके विचार विचार व्यक्ति के विरोधी प्रतिदिन नहीं सर बिल्कुल नहीं मैंने कभी ये नहीं कहा कि उन फिल्मों पर पाबंदी लगा दी जाए मैंने हमेशा उनके विचारों पर विमर्श किया है वे क्या कह रहे हैं वे कितने सार्थक बातें कर रहे हैं या फजूल बातें कर रहे हैं तो बहस करने की गुंजाइश तो आप मुझे भी दीजिए ना कि मैं भी बहस करूं आप अपनी फिल्में बनाइए कहाँ किसी ने मना किया है मैंने तो बंगाल में जो पाबंदी लगी उस पर भी विरोध किया कि ऐसी पाबंदी नहीं लगनी चाहिए शुक्रिया मेहरबानी धन्यवाद आप यूँ ही जुड़ते रहें और आप अभी से सलाह दें कि क्या मैं सवाल पूछने के पैसे लूं और फिर सवालों के जवाब दूं अगर ऐसा होता है तो मुझे कुछ आर्थिक लाभ हो जाए आजकल वैसे भी महंगाई है बेरोज़गारी है आप जानते हैं तबाही ही तबाही है शुक्रिया मेहरबानी धन्यवाद